कागज पत्र ले लिए, मैंने 8,000 रुपये थे मेरे, वो ले लिया फोन, ले लिया फोन पे उन्होंने, जिन के आगे रिसीव किया उसका हमने बता दिया। फिर उसके बाद में इन्होंने मुझे काफ़ी प्रताड़ित किया उसी में। फिर शाम को करीब 4 बजे करीब ये वहाँ से हाथ बाजी मुँह बाला और जय कितना मैं मुझे प्रताड़ित किया उसका मैं बखान नहीं कर सकता सर। फिर ये रात को 10 बजे बोले 10 बजे छोड़ेंगे, मुझे साथ से चलो कोई बात नहीं। फिर 10 बजे इनकी गाड़ी आई और ये वहाँ पर रुके और मुझे एक ला करके एक ट्यूबवेल थी उसमें इन्होंने मुझे रख दिया। फिर खाना लाई होटल से, बोले अंडा करी खाएगा कि इसको खाएगा, नहीं वो तो मैं नहीं खाता हूँ अंडा करी भाई, मुझे कुछ नहीं खाना, उन्हें ला के लाओ साले हाथ पैर तोड़ो जब खाएगा ये साहब। तो मैंने थोड़ा सा उसमें से साहब खाया, मैंने इनके हाथ जोड़े पैर पूजे भाई ऐसा मत करो, मुझे फिर खाए नहीं जाना क्या करो। उसके बाद इन्होंने वहाँ पर मेरे हाथ पैर वो बांध करके एक बंदे ने वो खींच करके और फिर मेरी ये हालत की बहुत बुरी तरह से। फिर सवेरे 3 बजे फिर मुझे उसी लहाया मशीन ले गई और फिर सारे दिन उसी लहाया में मुझको रखा, हाथ पैर कान में डुई लगा करके बांध करके मुँह को इस तरह से, तो सर मैं उसका कुछ कह नहीं सकता। फिर दूसरे दिन बोले आज छोड़ देंगे तुम्हें। रात को फिर ये 10 बजे करीब फिर मुझे लाए वहाँ से लेकर के और ला करके फिर इन्होंने करीब 4 घंटे गाड़ी चलाई। उससे बोले कि ऐसा है मेरी कहाँ ले जाकर तुझे कहाँ छोड़े, मैं मुझे भाई बात को मालूम पड़ गया साले, ये कहता था कि तुझे मेरे कोई नहीं और तेरे इतना बड़ा कर दिया पुलिस वाले वो हुए हैं इसलिए हम तुझको हिसाब ले करके छोड़ेंगे। फिर उसमें एक कुआँ था साहब उसमें बांध करके उसमें मुझे उसमें फांस देते थे दिन में, रात में बाहर खींच लेते थे ऐसे हाथों को ऐसे करके, तो जिसका मैं साहब कुछ नहीं कह सकता हूँ जितना मैं जितना कर लूँ टोटल किया। अच्छा आईडी का बताइए, आईडी कब दिया आपने? फिर बोले कि तेरा बच्चा नहीं मान रहा है आईडी बंटी धरा। अब ये लोग बताएंगे फिर ये जाएंगे तो बाइक खा लेगा। तुम बताओ।